हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आज हम टाटा SCV के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टाटा का सबसे फेमस कमर्शियल SCV व्हीकल टाटा S, यानी कि हम उसे बोलते हैं छोटा हाथी, अब ये टाटा मोटर्स ने नई तरीके से लॉन्च किया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक ट्रक EV, ये इंटरसिटी कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भारत का सबसे एडवांस जीरो एमिशन वाला छोटा कमर्शियल वाहन बनाया गया है। इस नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मई 2022 को ही पेश किया गया था। इसमें ना डीजल भरने की झंझट, ना इंजन ऑयल चेंज करने की झंझट, ऐसा इतना मस्त है टाटा का एस इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये सिस्टम पहला ही बनाया गया है, उसके अंदर नए तरीके से पावर ट्रेन मिलता है, जिसमें गाड़ी की बैटरी को एक बार चार्ज करने के बाद 154 किलोमीटर रेंज तक गाड़ी चला सकते हैं। इस नए मॉडल में एडवांस बैटरी कूलिंग सिस्टम दी गई है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ सुरक्षित और हर मौसम में चलने की क्षमता इस वाहन में है। ये वाहन रेगुलर और फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट करती है। इसके लिए इस वाहन में चेसिस के लेफ्ट साइड में दोनों टाइप के पोर्ट दिए गए हैं। इसमें एक स्लो चार्जिंग वाला पोर्ट है और दूसरा फास्ट चार्जिंग वाला पोर्ट। इसमें दो पोर्ट दिए गए हैं। इसमें एक 27 किलोवाट जो 36 ब्रेक हॉर्स पावर वाली मोटर दी गई है, उसमें 130 न्यूटन मीटर तक का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता है। इस मोटर को ट्रैक्शन मोटर भी कहते हैं, जो AC इंडक्शन टाइप की है। इस वाहन में क्लच दबाने की झंझट से भी राहत है, क्योंकि इसमें क्लच पेडल है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक्सेलेटर और ब्रेक, बस इसमें ही काम चलेगा। इसमें इंजन और गियरबॉक्स की जगह पे डायरेक्ट मोटर लगी हुई है, जो प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ी है और पीछे रियर एक्सल तक जुड़ी हुई है, जो रियर व्हील को रियर एक्सल से ड्राइव मिलता है। 600 किलोग्राम तक इसकी पे लोड की क्षमता है, यानी इस वाहन में 600 किलो तक हम मटेरियल डाल सकते हैं और मटेरियल डालने के बाद ये व्हीकल आराम से चला सकते हैं। इसमें 22% ग्रेडिबिलिटी की क्षमता है। इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ लंबाई 3800 mm तक है और विड्थ यानी कि चौड़ाई 1500 mm तक है और इसकी हाइट ऊंचाई 2635 mm तक है, यानी कि इस वाहन की लंबाई 12.46 फुट है, चौड़ाई 4.92 फुट और ऊंचाई 8.6 फुट, यानी इसमें माल डालने के लिए जगह भी अच्छी तरह से दी गई है। गाड़ी में अंदर बैठने के लिए आरामदायी सीट है, जो उसे आगे पीछे और एडजस्ट भी कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी दिया गया है। इस डिस्प्ले में दिखने वाले इंडिकेटर्स, उनके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दी गई है, आप जरूर देखना। डिस्प्ले में दिखने वाले लाइट्स इंडिकेटर्स ड्राइवर को क्या बताना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा इंडिकेटर लाइट जलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अब आते हैं इसके ब्रेक सिस्टम के ऊपर। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगी हुई है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं, जो वैक्यूम असिस्टेड ड्यूअल सर्किट हाइड्रोलिक एक्चुएटर है। आगे की तरफ पैराबोलिक सस्पेंशन है और पीछे की तरफ सेमी एलिप्टिकल सस्पेंशन दिया गया है। अब गाड़ी में ये गियर लीवर के जगह पर ये DNR स्विच लगे हुए है, उसमें ब्रेक दबाने के बाद डी को सिलेक्ट करना है और बस एक्सीलेटर देना है तो गाड़ी आगे चलेगी। वैसे ही रिवर्स लेते टाइम हमें R को सिलेक्ट करना है और एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी रिवर्स चली जाएगी, और जो ये N है, N को हम सिलेक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल के लिए है। दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।